हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, तो आप शुरुआत से ढोलक कैसे सीखेंगे, ये मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं, जो पहली बार ढोलक बजाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके मन में यही समस्या रहती है कि हम ढोलक स्टार्ट कैसे करें। ताल तो बहुत सारी है, लेकिन हमको स्टार्ट करना नहीं आता। तो वही मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, और बहुत इजी तरीके से मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो जो बिगनर्स हैं, आ जाएं ढोलक सीखने के लिए। और मेरे चैनल को यदि आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद मैं जो भी आप लोग के लिए वीडियो लेकर आने वाली हूँ, बहुत ही इजी इजी लेकर आने वाली हूँ। और यदि आप लोग मेरे साथ सीखेंगे, मन लगा करके पूरा वीडियो देखेंगे, तो बहुत जल्दी आप लोग को ढोलक आने वाली है। तो सभी बिगनर्स आ जाइए, हम ढोलक बजाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को ढोलक के बारे में बता दूं। ये ढोलक है, इसका ये बड़ा भाग है जिसको हम बेस बोलते हैं, मसाला लगा, और ये छोटा भाग चाटी कहलाता है, जिसको जिसमें हम उंगलियां चलाते हैं। और ये बेस जहां हम धमाक लगाते हैं। कई बिगनर्स जो होते हैं, उनके मन में रहता है कि हम बेस में कौन सा हाथ मारें, चाटी में कौन सा मारें। तो देखिए, यदि आप सीधे हाथ से सब काम करते हैं, तो आपका उल्टा हाथ बेस में चलेगा, और यदि आप उल्टे हाथ से सब काम करते हैं, तो आपका सीधा हाथ बेस में चलेगा। तो आप देख लीजिए, फिर आप लोग को बेस में कौन सा हाथ चलाएंगे ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब बजाना में स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोग को बेस की प्रैक्टिस कराऊंगी कि बेस में आप लोग कैसे बजाएंगे। फिर मैं दूसरा वीडियो जो लाऊंगी, उसमें आप लोग को चाटी में उंगलियां कैसे चलाएंगे उसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, बेस में हम कैसे बजाएंगे। देखिए, कई ताल होती हैं, तो उसमें जो ताले होती हैं, सब में अलग अलग प्रकार का बेस बजता है। किसी में 2 मात्रा का बेस बजता है, किसी में 3 मात्रा का, किसी में 4 मात्रा का। तो आज मैं आपको 3 मात्रा का बेस और 4 मात्रा का बेस सिखाऊंगी। अधिकतर तालों में यही बजता है। तो देखिए, 3 मात्रा का बेस हम कैसे बजाएंगे। अब ये देखिए, बेस में जब हम ऊपर मारते हैं, तो ये खुला बेस है, और बीच में लेते तो बंद बेस। ये खुला बेस, ये बंद बेस। अब हम यहां ऊपर कैसे मारेंगे ये देखिए। पहले जहां हमारी ये उंगलियां समाप्त हो रही हैं, उसके नीचे ये गदेली, इस गदेली से हम यहां पर मारेंगे। देखिए, बिल्कुल हल्का हाथ मारिए इस तरह से, और यहां पर हम उंगलियों से मारेंगे। बंद बेस में, बंद बेस में हम यहां से नहीं मारेंगे, उंगलियों से मारेंगे इस तरह से। 3 मात्रा का बेस कैसे बजेगा, आइए मेरे साथ बजाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। देखिए, 1 2 3, तीन हम बंद बेस में लेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह से आप लोग को मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। और यदि आप लोग 2 घंटे 3 घंटे यदि इसको अच्छे से बजा लेंगे, तो आपका बहुत तेज ये बेस बजने लगेगा, अच्छे से आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से आपको बजाना है। फिर इसको और तेज करिए, जब आपका हाथ सेट हो जाए, तो गिनती बोलना छोड़ दीजिए, ऐसे ही बजाइए। इस तरह से बजाइए, इस तरह से। ये 3 मात्रा का बेस हो गया। अब 4 मात्रा का आप कैसे बजाएंगे, देखिए। 3 बार हम खुला बेस लेंगे, 1 बार बंद बेस, कैसे देखें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
से ले रहे हैं, जितना मैं रुक रही हूँ उतना आप लोग को रुकना पड़ेगा, तभी हमारा बेस अच्छे से बजेगा। देखिए, एक दो तीन चार, 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 इस तरह से बजा। फिर इसको तेज करिए आप। आप बेस बजाने की प्रैक्टिस करिए। देखिए, मैंने आपको दो प्रकार का बताया, एक दो तीन, एक दो तीन इस तरह से, और एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ये दोनों बेस की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और मैं जल्दी दूसरा वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आप लोग को उंगलियां कैसे चलाएंगे चाटी पर वो बताने वाली हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।